हर कली में सो रहा है भौरे का मधुर गान। आज मैं सुना रहा हूँ सुप्त तान गुप्त गान। गुन 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 मधुर मधुर गुन गुन गुन। क्या लिखूं, कैसे लिखूं, अरे क्या लिखूं, कैसे लिखूं? अरे क्या बात है, तुक्के बाज भैया इतना परेशान काहे हैं? अरे क्या बताएं मनोहर भैया, इतना दिन से हम कोई नया गीत या कविता लिखना चाहते हैं, लेकिन कोई मुद्दा ही समझ में नहीं आता है। मैं भी उदास हूँ, मेरी कलम भी उदास है, क्या लिखूं कैसे लिखूं? अरे छोड़ो, इतना परेशान ना हो, चलो मुखिया जी के यहाँ चलते हैं, हो सकता है वही कोई गीत मिल जाए। हाँ ये अच्छी बात है, चलो चलो जल्दी चलते हैं। प्रणाम मुखिया जी। अरे जीते रहो बेटा, बैठो। आज क्या खास खबर है मुखिया जी? अरे क्या बताएं, एक छोटी सी मक्खी ने इतनी बड़ी आफत मचा रखी है। क्या मतलब मुखिया जी, बात कुछ समझ में नहीं आई। अरे भाई, हमारे आसपास के इलाके में जबरदस्त कालाजार की बीमारी फैली हुई है। अरे वो तो पता है, मगर ये मक्खी वाली क्या खबर है? हाँ हाँ, क्या खबर है मक्खी वाली, क्या लिखूं कैसे लिखूं? अरे वही कालाजार वाली खबर ही तो मक्खी वाली खबर है। अरे भाई, ये जो कालाजार की बीमारी है वो असल में एक मक्खी से ही तो फैलता है, जिसे हम बालू मक्खी भी कहते हैं। बालू मक्खी? मगर हमने तो ना ही कभी इसे देखा और ना ही कभी सुना इसके बारे में। यही तो बात है बेटा, कालाजार फैलाने वाली बालू मक्खी बहुत छोटी होती है, उसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। अच्छा ये बताओ, इसका नाम बालू मक्खी क्यों पड़ा होगा? अरे भाई, आसान सी पहेली है, इसे बालू मक्खी इसलिए कहते हैं कि इसके पंख सूरज की रोशनी में बालू की तरह चमकते हैं। अच्छा मुखिया जी, क्या लिखूं कैसे लिखूं, ये बताइए कि इतनी छोटी सी मक्खी कालाजार जैसी खतरनाक और जानलेवा बीमारी फैलाती कैसे? बात आसान सी है भैया, कालाजार संक्रमित बालू मक्खी से फैलता है। मान लो किसी व्यक्ति के शरीर में कालाजार बीमारी की कीटाणु है, अब अगर मक्खी उसे काट लेती है तो बीमारी के कीटाणु उस मक्खी के शरीर में चले जाते हैं। इसके बाद अगर उस मक्खी ने किसी दूसरे व्यक्ति को काट लिया तो बीमारी के कीटाणु दूसरे व्यक्ति के खून में भी चले जाते हैं। इस तरह बालू मक्खी एक इंसान के शरीर से दूसरे के शरीर तक कालाजार बीमारी फैलाती रहती है। इस चक्र को तोड़ने के लिए बालू मक्खी को खत्म करना बहुत जरूरी है। मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, ओह मिल गया मिल गया मिल गया। अरे क्या मिल गया तुक्के बाज भैया? अरे लिखने का मुद्दा मिल गया, क्या लिखूं कैसे लिखूं? अब मैं कालाजार पर ही नारे गीत और कविता लिखूंगा, तो मेरी पहली कविता सुनो। बात जान लो बिल्कुल पक्की, दूर भगाओ बालू मक्खी, दूर भगाओ बालू मक्खी, दूर भगाओ बालू मक्खी, दूर भगाओ बालू मक्खी। रहने दो बेटा तुक्के बाज, ये कविता तुम्हारे लायक नहीं है, तुम तो और अच्छा लिखते हो। फिर भी ठीक है, कम से कम तुम्हारी शुरुआत तो हुई। कुछ नया सुना रहे हैं क्या तुक्के बाज भैया? अपनी आशा बहन भी आ गई। प्रणाम मुखिया जी। जीती रहो बिटिया। प्रणाम मनोहर भैया। प्रणाम दीदी। अरे ये तो हमारे ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति की बैठक की तरह हो गई। हमारे और आशा के अलावा मनोहर भी तो इस समिति का सदस्य है, लेकिन आज हम बैठक नहीं करेंगे, गांव घूमने चलेंगे और लोगों से कालाजार के विषय में बात करेंगे। हम भी आपके साथ चलें मुखिया चाचा, क्या लिखूं कैसे लिखूं? क्यों नहीं, चलो शायद तुम्हें वहाँ कोई नई कविता या गीत ही मिल जाए। हाँ चलिए। मुखिया जी किस बात को लेकर परेशान थे? कालाजार की बीमारी कैसे फैलती है?
तो बात समझ में आ गई? ये बात तो समझ में आ गई भाभी, लेकिन इस बीमारी का नाम कालाजार क्यों है? क्या है बिटिया कि इस बीमारी का इलाज ना होने से कुछ दिन बाद रोगी की चमड़ी मिट्टी जैसे काले भूरे रंग की हो जाती है, इसलिए इस बीमारी का नाम कालाजार रखा गया है। अरे बाप रे, तब तो ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है। अच्छा ये बताइए भाभी, आपने जो बालू मक्खी की बात बताई उससे बचने का कोई तरीका तो होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल तरीका है। सरकार की तरफ से बालू मक्खी को खत्म करने के लिए हर साल घरों में 2 बार दवा का छिड़काव करवाया जाता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ये छिड़काव पहली बार फरवरी मार्च में और दूसरी बार जून और जुलाई में करवाया जाता है। ये छिड़काव घर के हर कमरों में, हर कोने में, पूजा घर में, चौके में और बथान में भी करवाना चाहिए। एक बात हम भी पूछ ले आशा बहन। अरे बिल्कुल पूछो दीदी, यही सारी बातें करने तो मुखिया जी और मास्टर जी के साथ हम सब यहाँ पर आए हैं। क्या है ना कि ये दवा की छिड़काव में बड़ी परेशानी होती है। छिड़काव करने वाले सबसे पहले तो घर के सभी कमरों को खाली करवा लेते हैं, इससे दिक्कत तो होती ही है। कभी कभी छिड़काव करने वाले ऐसे समय पर आ जाते हैं जब घर के मर्द काम काज के लिए बाहर गए होते हैं। देखो भाभी, मामला यदि सेहत का हो तो थोड़ी सी परेशानी तो उठानी ही पड़ेगी। अब भगवान न करे यदि मेरे ही घर में किसी को कालाजार हो जाए तो मुझे कितनी दिक्कत होगी, उसके मुकाबले ये थोड़ी सी परेशानी तो कुछ भी नहीं। और हाँ, गांव का यदि एक भी घर छिड़काव से छूट जाता है तो बालू मक्खी उसी घर में डेरा जमा लेगी, उस घर के सभी सदस्यों को तो बीमार करेगी ही, साथ ही साथ पूरे गाँव में भी बीमारी फैलाती रहेगी। समझ गई? ये बात तो है। चलो परिवार और गांव के सेहत के लिए इतना परेशानी भी सही। अच्छा इसी बात पर ये दो लाइनें भी सुन लीजिए। हर कमरे का कोना कोना खाली कर दें, खाने पीने की चीजों को ढककर रख दें, जमीन से 6 फीट की ऊंचाई तक दवा पड़ेगी और बालू मक्खी घर में घुसने से भी डरेगी। दीवारों पर दाग नहीं, गंद भी अब कुछ कम आएगी। थोड़ी सी मुश्किल होगी पर बड़ी बीमारी भाग जाएगी। भाई तुक्केबाज, अब तुम्हारे गीतों में तो काफी सुधार आ गया है। कविता तो ठीक है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, छिड़काव करने वाले ऐसा क्यों कहते हैं कि एक बार छिड़काव करने के बाद 10 हफ्ते यानी 2.5 महीने तक घर की दीवारों को लीपना पोतना नहीं है? अरे मंगनीलाल भैया, एक बार की गई दवा के छिड़काव का असर लगभग 10 हफ्ते तक रहता है। इस बीच अगर दीवारों की लिपाई पुताई करवा दी जाएगी तो इससे घर में छिड़की गई कीटनाशक दवा का असर कम नहीं हो जाएगा। अच्छा तो ये बात है, तब तो भैया छिड़काव के बाद 2.5 महीने तक रंगाई पुताई सब बंद। तो बात सभी के समझ में आई ना, कालाजार खत्म होगा तो गांव के लोग स्वस्थ रहेंगे, लोग स्वस्थ रहेंगे तो गाँव खुशहाल होगा। अच्छा इसी बात पर मेरा एक और गीत सुन लीजिए। हर कमरे में, हर कोने में, पूजा चौका और बथान में, बालू मक्खी मार भगाना, दवा छिड़कना हर मकान में। कविता कहानी तो सब ठीक है, लेकिन हम अपने घर में छिड़काव नहीं करवाएंगे। अरे क्या बात हो गई बहन जी? अरे क्या बताएं मास्टर जी, हमारे घर की दीवारें थोड़ी ऊंची हैं। छिड़काव करने वालों से हमने कहा कि पूरी दीवार पे छिड़काव कर दो, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। कहने लगे कि 6 फुट के ऊपर छिड़काव करने की जरूरत ही नहीं। हमें तो लगता है वो लोग अपनी दवा बचाना चाह रहे थे। अरे नहीं बहन जी, उन लोगों ने ठीक ही किया। असल में ये जो कालाजार फैलाने वाली बालू मक्खी है ना, ये उड़ती नहीं, सिर्फ फुदकती है और 6 फीट के ऊपर तक ये उड़कर जा ही नहीं सकती। अच्छा तो ये बात है, हम तो ऐसे ही उन लोगों पे गुस्सा कर दिए। कोई बात नहीं बहन, जो हुआ सो हुआ। वैसे भी आपकी बात का कोई बुरा नहीं मानता। आगे से आप खुद छिड़काव करने वालों की मदद करिएगा और दूसरों को भी समझाइएगा, है ना? लेकिन इस बातचीत में हम लोग एक बात बताना तो भूल ही गए। वो क्या मास्टर जी? देखो भाई, ये जो बालू मक्खी है ना, ये पनपती है कम रोशनी और नमी वाली जगहों पर, जैसे कि मिट्टी की दीवारों पर बनी दरारों में, चूहे के बिलों में और नम मिट्टी में। इसलिए अगर बालू मक्खी को पनपने से रोकना है तो घर में और आसपास साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। बालू मक्खी किन जगहों पर पनपती है?
कीटनाशक दवा का छिड़काव करवाना जरूरी क्यों है, यह कहां कहां होना चाहिए? कीटनाशक दवा का छिड़काव साल में कितनी बार होता है और कब कब? छिड़काव के बाद 10 हफ्ते तक दीवारों की लिपाई पुताई क्यों नहीं करनी चाहिए? बालू मक्खी से बचने के लिए 6 फीट की ऊंचाई तक ही छिड़काव करवाना काफी क्यों है? महिलाओं ने छिड़काव से होने वाली कौन कौन सी दिक्कतें गिनाई, मास्टर जी ने उन्हें क्या बताया? लेकिन एक बात बताइए, भगवान ना करे अगर किसी को कालाजार हो ही जाए तो इसका पता कैसे चलेगा? मैं बताता हूँ, अगर किसी को 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक बुखार रहे और इलाज कराने पर भी ठीक नहीं हो रहा हो तो उस व्यक्ति को कालाजार हो सकता है। इस बीमारी में शरीर में खून की कमी हो जाता है, वजन घट जाता है और कमजोरी भी हो जाती है। इसमें मरीज का लीवर और तिल्ली बढ़ जाता है। ज़्यादा दिन होने से हाथ पैर और पेट की चमड़ी काली होने लगती है और बाल भी झड़ने लगते हैं। कालाजार होने से मरीज की बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। इससे मरीज को दूसरी बीमारियां होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर सही समय पर संपूर्ण इलाज ना कराया जाए तो कालाजार जानलेवा भी हो जाता है। आशा बहन बिल्कुल ठीक बोल रही है, मेरी बिटिया को महीने भर से बुखार था। मैं उसे इलाज के बजाय ओझा के पास लेकर गई, उसका तो कोई असर नहीं हुआ बल्कि बहुत खर्च हो गया। नर्स दीदी और आशा बहन के बहुत समझाने पर मैं उसे सदर अस्पताल लेकर गई, उनका डर सही निकला। जांच हुई तो पता चला कि कालाजार ही था, लेकिन फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। इलाज में 2-2.5 घंटे का समय लगा और मैं दिन ही दिन अपने गांव वापस आ गई और मेरी बिटिया ठीक हो गई। अब अगले 6 महीने तक मैं बीच बीच में आकर देखती रहूंगी बिटिया ठीक है या नहीं। अच्छा आशा बहन, अब बात सभी को समझ में आ गई ना कि अगर किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा समय तक बुखार रहे तो उसे तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र पर लेकर जाएं। और अब तो कालाजार का नया इलाज आ गया है, बस एक ही दिन में और एक ही बार में कालाजार का पूरा इलाज हो जाता है। इसमें भी सिर्फ 2-2.5 घंटे का समय लगता है और मरीज ठीक हो जाता है। ये इलाज सदर अस्पताल और चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध है। और हाँ, कालाजार की जांच और इलाज सरकारी अस्पतालों में बिल्कुल मुफ्त है। क्या लिखूं कैसे लिखूं, तो भैया लीजिए थोड़ा हमारा भी सुन लीजिए। अगर 2 हफ्ते तक रहे बुखार, हो सकता है कालाजार, स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएं और मुफ्त में जांच कराएं। फिर हुई जांच और उसमें निकला कालाजार, तो एक ही दिन में मुफ्त में होगा सब उपचार। ध्यान लगाकर सुन लो भाई, कहता तुक्केबाज है, बड़ी सी बीमारी पर पक्का इलाज है। भाई तुक्केबाज, तुम तो बहुत बढ़िया कविता लिखने लगे हो, शाबाश, लिखते जाओ। क्या लिखूं कैसे लिखूं, सब आपका आशीर्वाद है मुखिया चाचा। अच्छा ये बताइए मुखिया जी, ये चमड़ी वाला कालाजार का होता है? असल में कई बार कालाजार के कुछ मरीजों में बीमारी ठीक हो जाने के बाद भी त्वचा पर सफ़ेद धब्बे या छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि हालांकि वह व्यक्ति ठीक हो गया है, फिर भी उसके शरीर में कालाजार के कीटाणु मौजूद हैं। इसे ही चमड़ी वाला कालाजार यानी PKDL कहते हैं। PKDL वाले किसी व्यक्ति को अगर बालू मक्खी काट ले तो कीटाणु मक्खी के शरीर में आ जाते हैं और फिर मक्खी लोगों को काट कर उन तक ये बीमारी पहुंचाती रहती है। इसलिए ऐसी व्यक्ति की जांच तुरंत करवानी चाहिए और उनका पूरा इलाज करवाना चाहिए। सदर अस्पताल और चुने हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चमड़ी वाली कालाजार यानी PKDL का इलाज भी बिल्कुल मुफ्त होता है। कालाजार की जांच कहाँ होती है, कालाजार का उपचार कहाँ कहाँ होता है, इसमें कितना समय लगता है, क्या कालाजार की जांच और उपचार में कोई खर्च आता है, चमड़ी वाला कालाजार क्या होता है, इसका इलाज कहाँ होता है, अब सभी को कालाजार के बारे में पूरी जानकारी तो मिल गई है,
अब मिलकर हम सबको अपने अपने घरों में दवा का छिड़काव करवाना होगा और साथ ही अगर किसी को 2 हफ्ते से ज्यादा बुखार हो तो तुरंत उसकी जांच करवानी होगी, ठीक है ना? क्या बात है मुखिया चाचा, क्या हुआ? कुछ नहीं, अपने राजू की याद आ गई थी। राजू मेरा छोटा भाई था, बचपन में एक बार उसे बुखार आया तो कई हफ्तों तक ठीक होने का नाम ही नहीं लिया। परिवार वालों ने मान लिया कि उसे कोई ऊपरी हवा का चक्कर है, फिर कई ओझा सोखा से झाड़ फूक कराई गई। हालत जब बहुत ख़राब हो गई तो उसे लेकर बड़े शहर में गए। तब इतनी आसानी से जांच वाँच कहाँ हो पाती थी। जब जांच हुई तो पता चला कि कालाजार है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे मुखिया जी, हमारी नासमझी से कोई राजू अपनी जान नहीं गंवाएगा। गांव में अगर किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक बुखार है तो हम उसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर जाएंगे और उसकी जांच करवाएंगे। हम अपने गांव से कालाजार को खत्म करके ही रहेंगे। आप लोग मेरा साथ देंगे ना? हाँ, 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 हम साथ देंगे। ए भैया ए बहनी,